जयपुर में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आने वाले दिनों में सुना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सो आप सब लोगों ने तो प्लान कर ही लिया होगा कि हम लोग समर ब्रेक में जाएंगे हिल स्टेशन पर घूमने के लिए, कश्मीर घूमने के लिए। सो अगर मैं आपको बोलूं कि जयपुर में ही मैं आपको कश्मीर का नज़ारा दिखा सकती हूँ, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, कश्मीर का खाना, कश्मीर के स्पाइसेस आप तक पहुँचा सकती हूँ, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज मैं आपको लेके आई हूँ ज़ार पर द मिनी कश्मीर इन जयपुर, और आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ, कश्मीर घूमते हैं, चलिए। दूर से देखने से लगता है जैसे इस बिल्डिंग की रूफ टॉप पर कोई हाउस बोट रखी हुई है। जी हाँ, यही है ज़ार पार, मिनी कश्मीर इन जयपुर। 2017 में जयपुर के मालवीय नगर एरिया में ओपन हुआ ज़ार पार आज बड़ी बड़ी हस्तियों की फेवरेट जगह बन चुका है। काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं ज़ार पार को, मिले भी क्यों ना। ज़ार पार जयपुर की मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस में से एक जो है। ज़ार पार में आप एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आप सच में कश्मीर में हैं। खुशामदीद। ज़ार पार में मेरा वेलकम किया गया प्रॉपर कश्मीरी स्टाइल में इस बन जला के। एक्सट्रीमली नीट, क्लीन एंड नाइसली मैनेज रेस्टोरेंट ज़ार पार। सच कहूँ तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही नहीं, पूरा का पूरा कश्मीर था मेरी आंखों के सामने। अ कश्मीर अवे फ्रॉम कश्मीर। I will call ज़ार पार मिनी कश्मीर। यहाँ पर आपको कश्मीरी आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन की रिक्रिएशंस भी देखने को मिलेंगी। कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर इज वेरी रिच, और ज़ार पार ये सब हम तक पहुँचा रहा है, पूरी फील दे रहा है कश्मीर की, वो भी राजस्थान में बैठे बैठे। ये है ज़ैना कदल। ज़ैना कदल श्रीनगर का एक बहुत ही फेमस मार्केट है। ज़ैना कदल से आप कश्मीरी अटायर भी ले सकते हैं और खुद को कश्मीरी होने का फील दे सकते हैं। वेल, आई ऑल्सो ट्राइड कश्मीरी अटायर, और जब पहना ना तो सच में वो जो सॉन्ग है ना, वो भुमरो भुमरो वो गाने का बहुत ज़्यादा मन किया। ज़ार पार में हर सेक्शन को कश्मीरी नेम दिया गया है और टोटल 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ दीवान खाना। यहाँ का एम्बियंस वॉज अमेजिंग, और अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूँ ना तो इंटीरियर्स आर डन वेरी वेल। एक मिनट के लिए तो ना मैं सच में भूल ही गई थी कि मैं जयपुर में हूँ कि सच में कश्मीर पहुँच गई। और ज़ार पार की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर वेज और नॉन वेज किचन्स अलग हैं। हाँ जी, और यहाँ के फर्नीचर पर जो वुड कार्विंग हो रखी हैं वो भी प्रॉपर कश्मीरी स्टाइल में ही हुई हैं, और आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं कॉपर के बर्तनों में, जैसे ट्रेडिशनल कश्मीरी घरों में खाना सर्व किया जाता है। मतलब ज़ार पार में कोने कोने में आपको कश्मीर ही कश्मीर मिलेगा। मुझे यहाँ पर आके ना एक चीज रियलाइज हो रही थी कि ज़ार पार पूरे कश्मीर को एक ही जगह पर समेट के ले आया। कश्मीर की ये वुड कार्विंग्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कहा गया कि कश्मीर जो है वो धरती पर स्वर्ग है। झील की तरफ खुलते हुए झरोखे, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कश्मीरी स्पाइसेस भी डिस्प्ले किए गए थे। ये देखिए, आपको तो पता ही है कि कश्मीरी जो मसाले हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। इनका स्वाद ही कुछ और है, इनका अरोमा, इनका फ्लेवर ही कुछ और आता है। मतलब अगर हम नॉर्मल मसालों से खाना बनाते हैं उतना टेस्ट नहीं आता जो कश्मीरी मसाले डाल के आता है। और दीवान खाना की मुझे एक बात और बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। आप चाहें तो मॉडर्न तरीके से वुडन चेयर्स पर बैठकर खाना खा सकते हैं, या फिर अगर आप कश्मीरी फील लेना चाहते हैं तो उनके ट्रेडिशनल तरीके से इस रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। हल्का हल्का सा कश्मीरी फोक म्यूजिक बज रहा था और इस एम्बियंस में 4 चांद लग रहे थे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने फटाफट से मेन्यू कार्ड लिया और अपना ऑर्डर प्लेस किया। इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही खास थी, मेरी टेबल पर आकर मेरे हाथ धुलवाए गए, कसम से। मैं अपने आप को ना किसी रॉयल से कम नहीं समझ रही थी। और ये देखिए, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेज और नॉन वेज ईटर्स के लिए क्रॉकरी भी अलग अलग है। मुझे याद नहीं है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ और वहाँ पर वेज और नॉन वेज ईटर्स को क्रॉकरी भी अलग से सर्व की गई हो। ज़ार पार में मुझे रॉयल ट्रीटमेंट मिला, कश्मीरी तहजीब देखने को मिली,
और लाइफ लॉन्ग याद रखने के लिए कुछ वंडरफुल सी मेमोरीज मिली। और तो और मुझे यहाँ की मैट्स में भी कश्मीर की झलक मिली। यहाँ का स्टाफ वॉज सुपर फ्रेंडली, बिल्कुल मुझे घर जैसी फील आ रही थी और उन्होंने मुझे सजेशंस भी दिए कि मैं यहाँ पर क्या ट्राई करूँ। सो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया मशरूबे बाबरी विद शिया सीड्स और ट्रस्ट मी ये ड्रिंक बहुत ही रिफ्रेशिंग था। कभी आप जारपार आएँ तो इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने ट्राई किया पनीर टिक्का, यहाँ का सुपर यमी था ये। दही के कबाब, ओ माय गॉड, बहुत ही सोल सेटिस्फाइंग थे। उसके बाद मैंने ट्राई किया चिकन काली मोटी टिक्का, इतना टेस्टी फूड था ना, मुझसे ओवर ईटिंग हो गई सच्ची। ये है परी महल। यहाँ एंटर करने से पहले आपको क्रॉस करना पड़ता है इस सुंदर सी आर्टिफिशियल वाटर बॉडी को। वो जैसे कश्मीर में अपनी हाउस बोट पे जाने से पहले आपको झील से होके जाना पड़ता है ना, बिल्कुल वही वाली फील आ रही थी यहाँ पर। मतलब कैसे छोटी छोटी डिटेल्स को काफ़ी ध्यान में रखा गया है जारपार में। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको दिखाया था ना, बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जो एक हाउस बोट बनी हुई थी, ये हाउस बोट के अंदर का विजुअल है। हाँ जी, ये वही हाउस बोट है जो हमें बाहर से नज़र आ रही थी रोड से। और यहाँ पर जब मैं शूट करने गई तो एक फैमिली पार्टी चल रही थी, एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। सो मैं जल्दी से शूट करके बाहर आ गई झील की तरफ। मैं जारपार की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बिना कश्मीर गए कश्मीर घुमा दिया। और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूँगी टू कंटिन्यू टू सर्व द बेस्ट ऑफ कश्मीर इन जयपुर। लास्ट में बस एक बात कहना चाहूँगी कि जयपुर में अच्छा कश्मीरी खाना यही है, यही है, यही है। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा मिनी कश्मीर इन जयपुर। अगर मैं खाने की बात करूँ तो फूड वॉज 10/10, एम्बियंस वॉज 10/10 एंड हॉस्पिटैलिटी वॉज 100/10। तो आइए जारपार में और फील लीजिए कश्मीर का। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ। ओके, नाउ व्हाट?